नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये प्रोग्राम अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो एक बात साफ है, देखिए देखने की यहाँ पे कोशिश करें। आप हथेली को देख रहे हैं, अंगूठे के नीचे का ये भाग देख रहे हैं, ये शुक्र पर्वत है और बहुत ज़्यादा फूले हुए अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्वत के बारे में थोड़ा बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, ये हथेली के नीचे जो अंगूठे के नीचे वाला भाग है ना, ये शुक्र का पर्वत कहलाता है। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर पर्वत फूल जाए और पर्वतों से और अति बली अवस्था में ये अपना प्रभाव देने बैठ जाए तो ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण व्यक्ति के मन में पैदा करता है और विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है, व्यक्ति को भोग की तरफ ले जाता है। भोग संबंधी, भोग विलास संबंधी विचार व्यक्ति के मन में कोंदते रहते हैं और व्यक्ति बाह्य आकर्षण से बहुत ज़्यादा जूझता है और ये पर्वत अति बलि होना ठीक नहीं है। सुंदर होना ठीक है लेकिन अति बलि होना ठीक नहीं है, ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंता करता रहता है और व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितने कठिनाइयाँ करता है, जितना परिश्रम करता है, उस हिसाब से उसको अभाव की स्थिति में ये रखता है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी करता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, ये पर्वत उठा तो है लेकिन सुंदर अवस्था में है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान रहेंगे। पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छा रहेगी, अपने को मेंटेन करके रखेंगे, सज संवर कर रहेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी, चकाचौंध रहेंगे और निश्चित ही जो है जीवन में सुख की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अभी जो है ये आपको विपरीत परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, ये शुक्र है, शुक्र को ज्योतिष में आचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। और जब ये गुरु हैं तो निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की भी सामर्थ्य है और ये शुक्र हमें जीवन में सलाह देने का कार्य करता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष में इसे गुरु कहते हैं, इसे जो है गुरु का दर्जा दिया गया है। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, चाहे अच्छा सुख हो चाहे बुरा सुख हो, इसके पीछे ये शुक्र ही होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो आपका, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आता है। और तीसरी बात होती है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का ये मालिक होता है। यदि ये शुक्र अतिबली हो, दूषित अवस्था में हो, तो दाम्पत्य सुख मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी देर से जो है दाम्पत्य सुख ऐसे लोगों को मिलता है। जब शुक्र अनुकूल होता है तो दाम्पत्य सुख देता है, जब शुक्र अनुकूल होता है तो मानसिक सुख देता है, जब शुक्र अनुकूल होता है तो शारीरिक सुख देता है। और शुक्र जब अनुकूल हो, बेहतर स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के पास ग्लैमर होता है, चमक होती है, नाम होता है, ऐसा व्यक्तियों का यश मिलता है, फेम होता है, चकाचौंध रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं, अच्छे जूते पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार करके रखना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र के अच्छे होने से पैदा होती है। क्योंकि अगर शुक्र अनुकूल हो, बेहतर हो, तो ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, शुक्र अगर अच्छा है आपका, सुंदर है, तो भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी खासी रहती हैं। और शुक्र से संबंधित करियर अगर किसी का हो तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी जीवन जीता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है अति बली अवस्था में है।
अब हम जो है विश्लेषण करते हैं आपका अच्छे पर्वत की। और अच्छा पर्वत आपका अगर देखा जाए तो सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर पर्वत आपका चंद्रमा का दिखाई दे रहा है। ये चंद्रमा जितना खूबसूरत होता है व्यक्ति भी उतना ही खूबसूरत होता है। और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच और खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है, आप भी हैं ऐसे। और अगर इस तरह से चंद्र खूबसूरत होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर कहें तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, फूडिंग के क्षेत्र में बड़ा कामयाब होता है। और सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति करता है। शिपिंग में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और फूड बिजनेस में, टूर एंड ट्रेवल्स में, और संगीत में, कला में, पत्रकारिता में ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। और सबसे बड़ा क्षेत्र होता है उसका फूडिंग का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, शिपिंग का, इस क्षेत्र में व्यक्ति बड़ा कामयाब होता है। मन मजबूत रखता है अगर चंद्रमा इस तरह से हो। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलता है, जीवन काल में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहता है। और मन मजबूत होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत रहता है। और इस तरह से चंद्रमा सुंदर हो, खूबसूरत हो तो व्यक्ति को जीवन में माँ का सुख मिलता है। बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा। अब हम दोनों ग्रहों की बात कर ली कि एक ग्रह जो है आपका नेगेटिव अवस्था में है शुक्र, एक ग्रह आपका पॉजिटिव अवस्था में है आपका चंद्रमा। दोनों की मैंने बात कर ली, क्या फल दे रहे हैं, क्या होगा। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज़ों का विश्लेषण करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा, हमारे चैनल में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा, प्रत्येक हथेली में रेखाओं का प्रभाव अलग अलग होता है और जीवन पर अलग अलग प्रभाव देता है। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, सीख रहे हैं, तो ये रियल हथेलियों का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं किसी हथेली का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। और आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ी सी सहायता कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलें देखें, अब उंगलियों के आकार पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कनिष्ठा उंगली लंबवत खड़ी है, अच्छी खासी लंबी अवस्था में है, सीधी खड़ी है। आप निश्चित ही अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक हैं। और देखिएगा, कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है, अपनी जगह पर खड़ी होती है और किसी उंगली की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोग सदैव याद रखते हैं। उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक यहाँ पे पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी अवस्था इसे कहा जाता है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी होता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, किसी न किसी तरह से उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, ये निश्चित ही आपकी उंगली यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो आपकी जो सूर्य उंगली का झुकाव है वो बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है
और जो आपकी बृहस्पति उंगली का तरफ झुकाव है ये भी बीज की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसमें शनि के गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, शनि के नेगेटिव गुण जो है आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या कुल मिलाकर अगर बात करें सिंपल भाषा में तो जीवन की खुशियों में कमी देने का काम ये चीज़ करती है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपके हथेली के तीसरे पोरवे के बीच अच्छा खासा जो है छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, अर्निंग भी अच्छी आएगी, धन भी अच्छा आएगा, लेकिन हाथ में आया और गया ऐसी स्थिति रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलना बहुत ज़रूरी होगा, खर्चीले स्वभाव पे थोड़ा लगाम लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए कोई उपाय नहीं होते हैं, ये व्यक्ति की अपनी समझ होती है, अपनी सोच के अनुसार व्यक्ति को ये चीज़ करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जो है आपकी रेखाओं पर चलते हैं, और रेखाओं पे अगर हम चले तो देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से निकल करके यहाँ पे यूँ आ रही है, और ये मिडिल फिंगर के बीच में और इंडेक्स फिंगर के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसमें गुरु का भी बला बला रहा है और आपका शनि का भी बला बला रहा है, दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है, और इस रेखा पर गुरु का बला बल आने जाने के कारण आपकी जो इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का इस पर्वत का बल आने के कारण और प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितने भी मेहनत करना पड़े, कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े, एन के एन प्रकार चाहे किसी को सीढ़ी बनाकर ही चले, लेकिन जो भी आपसे हो, जो भी आपसे बेहतर हो जाए आप करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अच्छा भी है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा, अगर देखें जीवन की रेखा आपकी सुंदर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, घुमावदार जीवन रेखा है, शुक्र पर्वत को बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है, अंगूठे के पीछे तक निकलती हुई दिखाई दे रही है, सीधी है, जीवन में निरंतरता रहेगी, विकास जरूर करेंगे, सफल जरूर होंगे। ये धनुषाकार है तो धन और समृद्धि जीवन में रहेगा, शुक्र पर्वत को ज़्यादा स्थान मिल रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। एक रेखा और दूसरी बात है परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, दूसरी बात है एक रेखा यहाँ से ब्रांच बना रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे में व्यक्ति विदेश यात्राएं निश्चित ही जीवन काल में करता है। मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे देखी जाए, मस्तिष्क की रेखा लंबी है और यहाँ पे जो है चंद्र की तरफ मुड़ रही है, और इस पे यहाँ से गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु मतलब सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान, मतलब अच्छी सोच रहेगी, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होंगे। इसका दूसरा सिरा चंद्रमा है, चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, चंद्रमा इसको धर्म का क्षेत्र कहते हैं, इससे यात्राएं भी देखी जाती, कल्पना पे अगर मन मिल जाए तो व्यक्ति जीवन काल के लिए अच्छी कल्पनाएं करता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छी योजनाएं बनाता है, एक खूबसूरत योजनाओं को जन्म देता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसा व्यक्ति का मन डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है। दूसरी बात, ये यात्रा का ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका अपने जीवन काल में मिलता है। अब हम सबसे सुंदर आपकी जो रेखा है जिसको धन और संपत्ति की रेखा कहते हैं उसकी ओर चलें। आपकी रेखा यहाँ से निकल करके और शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कमज़ोर हो रही है। जीवन काल में जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें, अगर आपने अपने जीवन काल में एक भी गलत निर्णय ले लिया तो अपने सारे डेवलपमेंट को, अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे अपने गलत निर्णयों के कारण। लेकिन जिस तरह से ये लंबी है तो ये लंबी रेखा जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है,
आपको अपने जीवन काल में वाहन का सुख, व्यापार का सुख और जो है धन का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। और ये 22-23 साल से ही उन्नति करवा दी जाती है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुई। स्पष्ट होने पे अब जो धन का आकृति बन रही है वो बन रही है 35वें वर्ष से। अब कैसी बन रही ये भी देखिएगा। जीवन की रेखा इस तरह जा रही है, हृदय की रेखा इस तरह जा रही है, एक M की आकृति आपकी हथेली में बन रही है। और जब व्यक्ति की हथेली में M की आकृति बनती है तो इसका सीधा सा संकेत होता है ऐसा व्यक्ति 35वें वर्ष से लेकर के 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन का अर्जित करता है। 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष तक खूब धन कमाता है। और आप भी अपने जीवन काल में 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक खूब धन कमाएंगे। उसके बाद ज़रूरत होगी तो कमाएंगे, नहीं होगी ज़रूरत तो बैठ के खाएंगे, सीधी सी बात है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में धनार्जन तब ज़्यादा होता है जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है। तीसरा ये कहती है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर, माँ पार्वती हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ये निशान बनता है। और एक बात और है, ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के लिए बड़ा लक्की होता है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी रेखाएं हमने लगभग देख ली। अब एक देखोगे आप, एक छोटी सी रेखा यहाँ पे यूँ दिखाई दे रही है और ये शुक्र से आ रही है और शुक्र जो है यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में है, तो लापरवाही के गुण आप में ज़्यादा ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, सोचने और समझने की शक्ति है, इस बात को बता रही है। और दूसरी बात, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, इस बात को बताती है। जीवन में 35वें से लेकर 40वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं घर का सुख मिलेगा या प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा जीवन में, ये चीज़ को भी बता रही है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे इस तरह की रेखाएं हैं और वर्ग का निशान बन रहा है। और मंगल पे जब वर्ग का निशान बनता है तो एक से ज़्यादा अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी, एक से ज़्यादा भूमि भवन आप खरीदेंगे, इस चीज़ की ओर इशारा आपकी ये कर रही है। रेखा यूँ जारी है तो कहीं ना कहीं लग्जरी के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे भी एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित ही पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से निकल करके और हृदय रेखा पे जाकर मिल रही है, थोड़ा मांगलिक है। और बृहस्पति का झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ होता है, मंगल रेखा हृदय रेखा से मिलती है और कहीं ना कहीं जो है शुक्र जो है अतिबली होता है, तो विवाह होने में जो है देरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्तियों का विवाह ज़्यादातर मामलों में 35वें वर्ष तक हो जाता है। लेकिन आपका जो योग बन रहे हैं 30 से लेकर 35वें वर्ष तक बन रहे हैं, और 35वें वर्ष में बहुत ज़्यादा योग है, धन का भी योग है, विवाह का भी योग है और अपने व्यवसाय का भी योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें आप दिखाई दे रहा। अब उसके बाद जो है अगर विवाह होता है तो विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा इस ओर दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहले जीवन साथी कैसा रहेगा उसके लिए देखो, ये रेखा ऊपर है, साफ सुथरी है, बड़ा केयर करने वाला रहेगा, ये बात निश्चित है, रिस्पेक्टफुल रहेगा। अब विवाह के बाद जीवन कैसा होगा इसकी एक काल्पनिक रेखा खींच लो, देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत सुंदर यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी उत्तम जीवन आप जो है अपनी लाइफ में उत्तम जीवन रहेगा, आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा उत्तम रहेगा। उसके बाद जीवन रेखा भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, निश्चित ही एक बेहतर लाइफ लीड करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे एक बात समझो, शुक्र बहुत ज़्यादा जो है बली अवस्था में है और ये विवाह के बाद भी अति बली अवस्था में रहता है तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना कठिन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा कुछ रेखाएँ काट रही हैं, आप विवाद बढ़ सकता है और जो है बहुत ज़्यादा नौबत यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में आ सकती है। तीसरी, मांगलिक है, मंगल की रेखा हृदय रेखा पर टच कर रही है,
दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें बता रही हैं, इसको ठीक करना आपका काम है। अब हम चलते हैं, एक दो रेखाएं और हैं। एक रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, शनि पे जा रही है, 28वें वर्ष में, 27वें और 28वें वर्ष में ये जाती हुई दिखाई दे रही है। मंगल की तरफ से आ रही है राहु की रेखा और शनि पर जा रही है। देखिएगा, जब कोई भी राहु रेखा निम्न मंगल से निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति के धन और संपत्ति में वृद्धि करती है। और दूसरी बात, एक राहु रेखा इस तरह से निकलकर सूर्य पे जा रही है 30 से 32वें वर्ष में। यदि यही रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है, मान प्रतिष्ठा सम्मान सरकार द्वारा लाभ और यश में वृद्धि करती है। और यही राहु रेखाएं, बहुत सुंदर राहु रेखाएं हैं आपके जीवन में, यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है और साथ में भाग्य की लकीर भी बहुत सुंदर हो, इस तरह से हो तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स आपके रहेंगे। एक डायरेक्ट इनकम रहेगी और एक पैसिव इनकम सोर्स रहेगा, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली आपके जीवन में इन राहु की रेखाओं की वजह से रहेंगी। और जीवन काल के 55वें से लेके 35वें उम्र में अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे। एक दो रेखाएं भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा व्यापार की रेखा यूँ जा रही है, दो रेखाएं आपके बुद्ध पर्वत की ओर, ये भी बड़ी अच्छी है। ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे ये रेखा क्लियर होती जाएगी, सुंदर होती जाएंगी, सुदृढ़ होती जाएंगी, वैसे वैसे समृद्धि के क्षेत्र में आप विस्तार करते जाएंगे। सुख समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा। एक बहुत बड़ा जो है, आप संपन्नता और सुख और समृद्धि के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, ये निश्चित आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर हम देखें, लगभग मैंने सारे ग्रहों का यहाँ पे विश्लेषण यहाँ पे कर लिया है। आपका थोड़ा सा धन का ग्रह देखें, धन का ग्रह आपका सुंदर है, पुष्ट रूप में है। अपार मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊँचाइयों तक हर जगह सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे दिख रही है और सम्मान आपको मिलेगा। लेकिन अभी जब तक आपका शुक्र ठीक नहीं होता है, मानसिक परेशानी रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी रहेगी। शुक्र को ठीक करना, अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है और दाम्पत्य जीवन का सुख आपको तभी प्राप्त होगा और लग्जरी लाइफ का जीवन तभी आपको उसका सुख प्राप्त होगा जब आपका शुक्र बेहतर होगा। मैं देखा जाए तो पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।